हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीना जम्मी किचन। लीना जम्मी किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। न्यू रेसिपी पाने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज हम कच्चे आम का मुरब्बा बनाने वाले हैं। ये बहुत ही सुपर टेस्टी ऐसे लगता है। ये इसे बनाने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं। जब भी फास्ट हो तब आप ये खा सकते हैं। जूसी खट्टा मीठा मुरब्बा सालों तक खराब नहीं होता है। मुरब्बा बनाने के लिए मैंने 2 केजी कच्चे आम लिए हैं। उनको मैंने अच्छे से वॉश करके क्लीन कर दिया है। ये चूज़ करते टाइम एकदम हार्ड ऐसे कच्चे आम हमें लेने हैं। अभी हम इसके ऊपर का जो छिलका है वो निकाल देंगे। ये मुरब्बा बहुत दिनों तक अच्छा रहे इसके लिए इसका छिलका सही तरीके से निकाल लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसी तरह सभी कच्चे आम के छिलके निकाल लेंगे। सभी आम के छिलके हमने बढ़िया से निकाल दिए हैं। आप देख सकते हैं एकदम हार्ड ऐसे सभी कच्चे आम हमने चूज़ किए हैं। अभी हम कद्दूकस लेंगे और कद्दूकस से कच्चे आम को अच्छे से कद्दूकस कर देंगे। इस तरह हमने कच्चे आम कद्दूकस कर लिए हैं। आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया तरीके से सभी कच्चे आम हमने कद्दूकस कर लिए हैं। एक बड़े साइज़ की कटोरी मैंने ली है, इसमें कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम मैं डालूँगी। इससे हम ये कद्दूकस किया हुआ कच्चा आम कितना है वो मेज़र कर लेंगे। ये लगभग 2 कटोरी बना है। अभी एक बड़े साइज़ का बर्तन हम लेंगे। इसके लिए हमें बड़ी परत वाला ऐसे बर्तन लेना है। इसमें हम ये मेज़र किए हुए कच्चे आम डाल देंगे। ये लगभग हमारे 2 कटोरी निकले हैं। उसी कटोरी से हम एक और आधा ऐसे 1.5 कटोरी शक्कर इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं तो आप ये शक्कर थोड़ी कम ले सकते हैं, पर ये परफेक्ट ऐसे क्वांटिटी हमने ली है। इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अभी ये बर्तन हम गैस पे चढ़ा देंगे। फ्लेम हमने मीडियम कर दी है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे अच्छे से पकने देंगे। हमें कंटिन्यू इसे स्पून से मिक्स करते रहना है। शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए इसका हमें ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ अगर शक्कर लगी है तो वो भी हमें स्पून से उसमें ऐड कर देनी है। और इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए हम चलाते जाएंगे। 5 मिनट में ही शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाती है और ये मुरब्बा का वो भी चेंज हो जाता है। अभी हम फ्लेम लो कर देंगे। तब तक हम इलायची कूट लेते हैं। 4 से 5 हरी इलायची मैंने ले ली है। इसमें से बीज निकाल के इसकी पेस्ट हम बना लेंगे। इलायची डालने से बढ़िया ऐसी टेस्ट हमारे मुरब्बे को आती है। अगर आपको इलायची की टेस्ट पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम ये मुरब्बा अच्छे से पकने देंगे। आप देख सकते हैं उसमें जो शक्कर का मेल्ट होने के बाद पानी बना है वो धीरे धीरे एब्सॉर्ब हो रहा है। ये जब तक एब्सॉर्ब होता है तब तक हमें इसे कंटिन्यू स्टर करते जाना है। स्पून से हमें इसे लगातार चलाते जाना है। आप देख सकते हैं बढ़िया ऐसे बबल्स इसमें आ रहे हैं। लगभग 10 मिनट तक हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे कंटिन्यू पका लिया है। अभी थोड़ा थोड़ा गाढ़ापन इसमें आ रहा है। इसी स्टेज पे अभी हम इलायची पाउडर इसमें ऐड करेंगे। इलायची डालते ही बढ़िया ऐसी खुशबू इसकी महक रही है। पूरा घर खुशबू से महक रहा है।
थोड़ा मुरब्बा हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और हाथ से उसे चेक कर लेंगे। ये हमें एकदम सॉफ्ट ऐसे चाहिए, ये थोड़ा कच्चा लग रहा है, तो हम और 5 मिनट तक इसे पका लेंगे। मुरब्बा एकदम सॉफ्ट हो जाता है तो बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक अच्छा रहता है, वो ख़राब नहीं होता। अभी हमने फ्लेम ऑफ कर दी है, लगभग 20 मिनट तक हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पका लिया है। हमारा मुरब्बा रेडी है, पर ये बर्तन अभी भी बहुत ही गर्म है, तो इसे हम कंटिन्यू चलाते जाएंगे या फिर इसे हम दूसरे बर्तन में आप निकाल सकते हैं। मुरब्बा सालों तक अच्छा रहे इसके लिए ये पूरी तरह ठंडा होने के बाद हम एकदम ड्राई क्लीन ऐसे कांच के जार में इसे स्टोर करके रखेंगे। ऐसा करने से सालों तक भी ये मुरब्बा ख़राब नहीं होता। उपवास के दिनों में नमक नहीं चलता, उस टाइम हमें ये मुरब्बा बहुत बढ़िया ऐसे रहता है। इसको सर्व करते टाइम ड्राई फ्रूट डाल के आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी, सुपर टेस्टी ऐसे लगता है, बच्चों को भी ये बहुत पसंद आता है। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। न्यू रेसिपी पाने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।